जलगांव जिले के सावदा शहर में कई वर्षों से सुप्रसिद्ध डायमंड इंग्लिश स्कूल सावदा में केजी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू। साथ ही नीट जेईई यूपीएससी की क्लास के लिए कोलकाता, दिल्ली, हरियाणा जैसे शहरों से शिक्षक को अपॉइंट कर हॉस्टल की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, अभी अपने बच्चों का उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। स्कूल का पता है ख्वाजा नगर, सावदा जिला, जलगांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करेंगे। भुसावल विभागीय मंडल रेल प्रबंधक इति पांडे ने पत्रकार सम्मेलन को लेकर रनिंग स्टाफ को भुसावल मंडल में रनिनांग स्टाफ विश्राम गृह में दी जाने वाली सुविधाएं के बारे में अवगत कराया और कहा कि वे भुसावल में रनिंग रूम में बुकिंग लॉबी, लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर, रनिंग स्टाफ को पर्याप्त और आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। भुसावल मंडल मेहनती और कुशल कार्य सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत लोको पायलट और ट्रेन प्रबंधक कर्मचारियों को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान कर रहा है। लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर से युक्त रनिंग स्टाफ ट्रेन चलाने में शामिल सबसे मूल्यवान संपत्ति है। लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर स्टाफ के काम में 2400 घंटे ट्रेन चलाना शामिल है। ट्रेनों के सुरक्षित और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को गैर कार्य घंटों के दौरान आराम करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और कहा कि भुसावल में क्रू रनिंग रूम और बुकिंग लॉबी PF4 में रनिंग स्टाफ को पर्याप्त और आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उन्हें कुशल और तनाव मुक्त तरीके से अपने कर्तव्यों को पूरा करने में मदद करती हैं। लोको पायलटों और ट्रेन प्रबंधक कर्मचारियों को यात्रा समय की परवाह किए बिना मुख्यालय में ड्यूटी पूरी करने के बाद 16 घंटे के आराम की अनुमति दी जाती है। प्रति माह कम से कम 30 घंटे के 4 विश्राम बिस्तर पर पूरी रात के साथ या प्रति दल कम से कम 22 घंटे के 5 विश्राम, लगातार 30 घंटों के 4 आवधिक ब्रेक को प्राथमिकता दी जाती है और कहा कि आउट स्टेशन क्रू, लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के लिए दी गई छुट्टी इस प्रकार हुई है कि यदि यात्रा का समय 5 घंटे से कम है तो रनिंग रूम में कम से कम 5 घंटे का आराम करें, यदि यात्रा का समय 5 घंटे से अधिक है तो रनिंग रूम में कम से कम 8 घंटे का आराम करें। वह आगे कहा कि भुसावल रनिंग रूम रेलवे स्टेशन से सटा भुसावल रनिंग रूम भवन क्षमता की दृष्टि से मध्य रेलवे का सबसे बड़ा भवन है, जिसमें महिला क्रू सदस्यों के लिए अलग से 6 कमरे, 16 बिस्तर और शौचालय की व्यवस्था है। प्रत्येक मंजिल पर 10 कमरों के 3 अलग अलग विंग हैं। भूतल पर सुविधाएं लोको इंस्पेक्टर रूम, लिनन और स्टोर रूम, लॉकर रूम, जनरेटर रूम, हाउस कीपिंग रूम, वेज नॉन वेज किचन, डाइनिंग हॉल, इंडोर जिम, मेडिसिन रूम, मनोरंजन कक्ष और 2 टॉयलेट ब्लॉक हैं। वहीं आपको बता दें बगीचे में एक आउटडोर जिम के साथ एक जॉगिंग ट्रैक प्रदान किया गया है। हरा भरा लॉन इमारत को एक सौंदर्यपूर्ण माहौल देता है। पहले मंजिल पर 26 कमरे हैं जिनमें टॉयलेट ब्लॉक के साथ महिला क्रू के लिए एक अलग विंग है। दूसरी मंजिल से 5वीं मंजिल तक 3 कमरे और शौचालय ब्लॉक हैं और प्रत्येक कमरे में 2 बिस्तरों की क्षमता है। रनिंग रूम के सभी कमरे वातानुकूलित हैं। चालक दल को पार्सल सुविधा के साथ रियायती भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अन्य सुविधाओं में पावर बैकअप जनरेटर के साथ 8 व्यक्तियों की क्षमता वाली 2 लिफ्ट शामिल हैं। चालक दल को यार्ड लॉबी में रनिंग रूम तक और इसके विपरीत परिवहन के लिए वाहन उपलब्ध कराए जाते हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी विभागों में विभागीय कोटे के माध्यम से ALP के चयन के लिए एक बार छूट दी है। भुसावल डिवीजन में 173 ALP की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। अगले महीने परीक्षा आयोजित की जाएगी। RRB के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए RRB इंडेंट की रिक्तियों में वृद्धि की गई है। भुसावल डिवीजन में RRB के माध्यम से 297 ALP अतिरिक्त रूप भी शामिल किए जाएंगे। ये सुविधाएं सुनिश्चित करती है कि ट्रेन चलाते समय कर्मचारियों को पर्याप्त आराम मिले जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस वक्त अपर मंडल रेलवे प्रबंधक सुमन कुमार, वरिष्ठ मंडल इलेक्ट्रिक अभियंता TRO हिमांशु रामदेव और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अजय कुमार मौजूद हैं। हमारे जो रनिंग स्टाफ है, मतलब LP और गार्ड, जो पूरा एक यूनिट होता है ट्रेन चलाने में, उनकी सुविधाएँ आप लोग ने देखी और आपने देखा कि भुसावल डिवीजन का पूरा प्रयास है कि जो एक बेस्ट फैसिलिटी हो सकती है रनिंग स्टाफ को देने की, वो हम दे रहे हैं। सारे रूम्स AC हैं, आपने देखा एक योगा मेडिटेशन रूम भी है। आपने इनकी ईटिंग फैसिलिटीज़ देखी, जिस प्रकार से इनको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सर्व किया जाता है। जो पैक करके खाना ले जाना चाहते हैं वो पैक करके ले जाते हैं। लेडीज़ का एक अलग विंग है। ये 5 फ्लोर की पूरी बिल्डिंग है और बनी 2022 में है और तब से मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी एक टाइम पर 180 बेड्स की है, मतलब 180 बेड्स ऑक्यूपाइड रहते हैं।
इसकी कैपेसिटी तो 250 की है करीब करीब, तो हमने फ्यूचर की भी प्लानिंग करके रखा है। हम चाहते हैं कि हमारे एलपी गार्ड यहाँ पर आएं और उनको हर प्रकार से जो आराम मिलना चाहिए वो आराम मिले। आपने उनसे इंटरेक्शन करके देखा होगा कि वो अपने ड्यूटी आवर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं, टाइम पर वो बिल्कुल लॉबी में आते हैं और इनफैक्ट पूरी रेलवेज इनके स्ट्रेंथ को एडमायर करती है और हम इतनी गाड़ियाँ चला पा रहे हैं इन्हीं के बल पर। इसमें कोई दो शक की बात नहीं कि अगर इनका रेस्ट प्रॉपर ना हो तो दिक्कत हो सकती है, बट क्योंकि प्रशासन पूरी जोड़ तोड़ से मेहनत करता है इनको बेस्ट फैसिलिटी देने के लिए, इसलिए हम इसमें कामयाब रहते हैं। भुसावल डिवीज़न में और पूरी इंडियन रेलवेज़ में हम दिन पर दिन और ज़्यादा ट्रेन चला रहे हैं। तो अभी रेलवे बोर्ड ने एक नया सर्कुलर निकाला जिसके हिसाब से हमारी जो एलपी और एएलपी की भर्ती है वो दो गुना ज़्यादा बढ़ा दी गई है और अभी वन टाइम के लिए रेलवे बोर्ड ने हमको ये प्रोविज़न दिया है कि हम नए एलपीज रिक्रूट करेंगे एग्जिस्टिंग रेलवे काडर से, और वो आदमी किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है, पर एलपी और एएलपी का एग्ज़ाम देगा, एग्ज़ाम के बाद उसका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर वो 6 महीने की ट्रेनिंग देगा, तो जो स्ट्रेंथ हमें कम है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी हमारे पास 2000+ एलपीज हैं, पर क्योंकि ट्रेन के नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, हम करीब करीब 200-220 ट्रेन एक दिन में चलाते हैं, जिसमें से कि हमारी मेल एक्सप्रेस और गुड्स दोनों मिला करके हैं, तो इतनी ट्रेन चलाने के लिए जो हमें आगे के लिए प्लानिंग करनी है उसके लिए ये भर्ती हो रही है और इसका इम्तहान अगले महीने हो जाएगा। तो हमने बहुत बार किया है और यहाँ फैमिली सेमिनार करते हैं, मेरे तो आपने बहुत सारे वीडियोस भी यहाँ बनाए हैं। आज हम यहाँ पर मीडिया को पहली बार बुलाया गया है, इसमें मीडिया को यहाँ पर ना बुला करके मीडिया को हर फैसिलिटी अपने रनिंग स्टाफ की बताने के लिए किया गया। जैसे अभी योगा दिवस पे हमने यहाँ योगा कराया, उसको भी फैमिली सेमिनार कराया, उनको भी योगा में शामिल किया गया, तो वो भी किया गया। जैसे हम नई CMS मशीन लगाते हैं इनके लिए, पहले हमारे पास बहुत आउटडेटेड CMS मशीन थी, अभी हमने नई प्रोक्योर करी, उसको भी हमने मीडिया में किया। तो जब भी कोई नई बात होती है उसको करने के लिए हम एक साथ एकत्र होते हैं। अभी हमने इनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम नया रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उस वजह से ये बात इनको बताएंगे तो इन्हें भी अच्छा लगेगा कि इनकी स्ट्रेंथ और बढ़ रही है। मैं आग जलने के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं है, हमने रूम का सर्वे किया, फायर एक्सटेंजर्स को बोलते हैं। नहीं नहीं, आप स्मोक देखिए, वहाँ देखिए, अंदर रूम्स के अंदर हर जगह पे लगती है, हर जगह स्मोक डिटेक्टर पूरे बिल्डिंग में लगा हुआ, पूरी बिल्डिंग में स्मोक डिटेक्टर है, तो वो जैसे ही अलार्म बजता है, एक तो आप जानते हैं ना कि आप CMS मशीन में कभी भी जब साइन ऑन करते हो तो पहले फूंकते हो ताकि पता चल जाए कि आपके पास किसी भी प्रकार का आपने कोई चीज़ का सेवन नहीं कर रखा, जो कि गलत है। तो आप ये सोचो कि आपको तो कमरे में ये अलाउड ही नहीं रहेगा, इस वजह से सब जगह कैमरा, सारी जगह फायर डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है, तो वो जैसे ही है लगे हुए हैं, फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगा हुआ है चारों कॉर्नर, तो वो हाइड्रेंट होने की वजह से आपको वो लाल नहीं दिख रहा। नहीं, वो तो स्मोक डिटेक्टर। दूसरी बात मैडम, ये जो है पांच फ्लोर का ये बनाया गया, इसमें क्या क्या सुविधा दिया है लोगों को पहले? देखिए, सारी जगह तो पहले बेड्स हैं 250 इस्तेमाल के लिए, 16 एक्सक्लूसिव हैं थर्ड फ्लोर पे लेडीज़ के लिए, उनके संग उनके वॉशरूम्स अटैच्ड हैं ताकि उनको कहीं बाहर ना निकल के आना पड़े। और इसमें आपने देखा होगा कि अलग से डाइनिंग सेवा है, वेज नॉन वेज दोनों अलग अलग है। ये आपका रिक्रिएशन रूम है जहाँ आप खड़े हुए हो, इसके साथ साथ एक मेडिटेशन भी रूम है, पढ़ाई वाला भी, मतलब आप न्यूज़पेपर वहाँ पढ़िए, अपने साथ भी बैठिए और देखिए, दूसरों से भी आप चर्चा कर सकते हैं। हाँ, और एक जिम है, शू पॉलिशर हम लोग रखते हैं, फुट मसाजर यहाँ पर रखा हुआ है, हमारे पास जो वाटर कूलर्स लगे हुए हैं सभी फ्लोर पे, और वाटर फिल्टर्स लगे हुए हैं सभी फ्लोर पे, और स्टेट ऑफ द आर्ट किचन है हमारे पास, जहाँ फ्रिज, माइक्रोवेव, ओवन, ये सारी फैसिलिटीज़ जो है सो स्टेट ऑफ द आर्ट लगी हुई है। डिश वॉशर फैसिलिटी है, सारी कुछ चीज़ें हैं, और इसका रेगुलर यहाँ पे फ्यूमिगेशन होता है ताकि मतलब कीड़े मकौड़े नहीं रहे प्रॉपर तरीके से, ताकि हमारे जो रनिंग स्टाफ है उसको असुविधा ना हो। आप वैसे भी उनसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं, सीनियर DTRO साहब
अक्सर ही आते हैं, मतलब वीक में 2-3 बार तो उनका चक्कर लगता ही है, क्योंकि यहाँ पे उनको अपना सुविधा देखनी है, कोई कंप्लेंट है तो वो भी देखनी है। और सिर्फ यहाँ का ही रनिंग रूम नहीं, बडनेरा, मनमाड, हमारे पास जितने रनिंग रूम है, खंडवा, हमने तो एक एक रनिंग रूम कम से कम नहीं तो हम 10-15 बार, मतलब ऑलरेडी एवरी 15 डेज तो एक रनिंग रूम हम कवर करते ही है। क्योंकि उसका रीज़न है कि कभी भी कोई फैसिलिटी शॉर्ट ना हो जाए, जैसे कहीं से खाने की कंप्लेंट आई तो उसको हम जाके चेक करते हैं, लोग जाते हैं क्वाइटली बैठते हैं और खाना खाते हैं, ताकि बता सके कि हाँ खाने के पदार्थ जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो एकदम सही है। फिर हमारे सीनियर DTRO साहब जा कर के सारी जितनी क्वालिटी चेक्स होती हैं वो कमर्शियल के हेल्थ इंस्पेक्टर के साथ वो भी चेक करते हैं, ताकि किसी में कोई किसी प्रकार की मिलावट ना हो। पहला प्रोजेक्टर इसके बाद बॉम्बे में बना, ये सबसे पहला है। सारे एयर रनिंग रूम एयर कंडीशन ही है, हमारे जितने भी रनिंग रूम है सब एयर कंडीशन है। हर फ्लोर पे गैलरी है, ओपन है, उसके लिए सेफ्टी क्या रखा? नहीं, ओपन सेफ्टी है मतलब ये ग्लास लगा करके, ये तो इसलिए वेंटिलेशन करने के लिए, वेंटिलेशन के लिए ओपन रखा गया है। और नीचे तो पूरी हमने लैंडस्केपिंग कर दी है कि यदि कोई ऊपर से गिरेगा तो घास ही पे गिरेगा, वो इसी की सुविधा है। और आपने देखा कि हमने हर जगह सोलर पैनल लगाए, तो बिजली की बचत सबसे बड़ी चीज़ है, वो हम कर रहे हैं। तो सोलर पावर जनरेशन है पूरे रनिंग रूम के लिए, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू। रनिंग रूम देखिए, रनिंग स्टाफ को पूरी तरह से घर जैसी या घर से भी अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए रेलवे प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि हमारा लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर्स बहुत बढ़िया रेस्ट, अच्छी तरह से गहरी नींद ले सकें, इसलिए सारी सुविधाओं का ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। बढ़िया भोजन व्यवस्था है, उनको आते ही साथ उनको जो है जिस तरीके से होटल में उनको ये वेलकम किया जाता है, इस तरीके से वेलकम करके और उनको पानी, चाय, नाश्ता, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो रहेगी। बढ़िया फर्स्ट क्लास, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सफाई मॉर्निंग में होगी, फिर दोपहर में, फिर इवनिंग में, लगभग 3 बार रनिंग रूम की जो है वो साफ़ सफाई होती है। और सभी रूम एयर कंडीशन्ड हैं, और हमारी जो वुमेन एम्प्लॉई हैं उनके लिए सेपरेट अटैच लेट बाथ जो है रूम उनके लिए प्रोवाइड किए हैं। और ये इंडियन रेलवे का ये सबसे बेस्ट रनिंग रूम जो है ये भुसावल डिवीजन का है, जो कि अभी 2 साल पहले ये बना था। मैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हूँ सेंट्रल रेलवे में, खंडवा डिपो में। सर, रनिंग रूम तो बढ़िया है, सभी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। हम लोग जैसे खंडवा से आते हैं तो प्रॉपर हमें बेड मिलता है, प्रॉपर सुविधाएं मिलती है, सब्सिडाइज मील मिलती है, और यहाँ पे उसके साथ साथ हमारी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है। जिम है हमारे लिए, जिम इंक्लूडेड सुविधा, मेडिटेशन रूम है और लाइब्रेरी है, काफ़ी सुविधाएं हैं, बढ़िया है, मतलब घर जैसे ही लगता है, सेकेंड होम लगता है रनिंग रूम हम लोगों को जी। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सातपुड़ा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित HSWD कॉन्वेंट हाई स्कूल सेमी इंग्लिश आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू है। साथ ही KNP इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12 कक्षा तक एडमिशन शुरू एवं विशेष बैच 8, 9, 10, 11, 12 के साथ फाउंडेशन कोर्स नीट, JEE, सिविल सर्विसेज एंड MHCET, 11वीं और 12वीं आर्ट्स कॉमर्स साइंस की लड़कियों के लिए सेपरेट बैच व स्वतंत्र क्लासरूम की व्यवस्था की गई है। वह बता दें कि आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर रूम्स, डिजिटल लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, इंटरनेट फैसिलिटी, पीने के लिए शुद्ध जल, प्लेग्राउंड व बच्चों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा व सुरक्षा रक्षक के साथ स्कूल बस की व्यवस्था उपलब्ध है। स्कूल का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस, हीना पार्क, ग्रीन पार्क के करीब खड़का रोड, भुसावल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9271395291, 9156969786, ईमेल ID bspatelEducationalCampus@gmail.com, वेबसाइट bspatelEducationalCampus.com। भुसावल शहर में जून 2004 से शुरू हुई व पूरे जिले में सबसे कम फीस लेने वाली एकमात्र स्कूल MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल खड़का रोड और
MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल अयान कॉलोनी स्कूल में वर्ष 2024 और 25 के एडमिशन शुरू है। वह किसी भी प्रकार का बिल्डिंग फंड और एडमिशन चार्ज के बिना और नर्सरी एडमिशन फ्री में किए जा रहे हैं, जिसमें आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ मिलेगी ई लर्निंग शिक्षा व हर क्लास में प्रोजेक्टर एवं आपके बच्चों की स्वास्थ्य के लिए पीने के लिए शुद्ध जल व संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा, बच्चों का शैक्षणिक विकास के साथ शारीरिक विकास के लिए स्पोर्ट टीचर, हॉकी टीम प्लस विभाग डिवीजन पर विजय व अलग अलग प्रकार के खेल प्रतियोगिता का आयोजन, बच्चों का हर महीने MCQ टेस्ट, कॉम्पिटेटिव परीक्षा के लिए तैयारी, सुसज्ज कंप्यूटर लैब, सुसज्ज साइंस लैब, पूरे स्कूल में वाईफाई कनेक्शन, बच्चों के शैक्षणिक जानकारी के लिए पालक से संपर्क करने के लिए हर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, अलग अलग प्रकार के नेशनल लेवल पर होने वाले एग्जाम का आयोजन, बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ कला गुणों के विकास के लिए हर साल वार्षिक संस्कृति कार्यक्रम व MI तेली स्कूल की छात्र वो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हाथों से सन 2014 और 2015 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इनके हाथों से बाल वैज्ञानिक के लिए सम्मानित किया गया। तो आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनने के लिए जल्द करें एडमिशन, संपर्क करें मोहम्मद अली रोड खड़गा रोड MI तेली स्कूल भुसावल। जलगांव जिले के सावदा शहर में कई वर्षों से सुप्रसिद्ध इकबाल शेख हुसैन मल्टीपर्पज फाउंडेशन द्वारा संचालित डायमंड इंग्लिश स्कूल सावदा में KG से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू, जिसमें आपके बच्चों को कुशल और अनुभवी शिक्षक स्टाफ, प्रोजेक्टर द्वारा डिजिटल शिक्षा, छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन, भव्य प्लेग्राउंड, तंबाकू मुक्त परिसर, विज्ञान मेले, श्रेष्ठ वार्षिक परिणाम, माता पिता से मीटिंग, कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन, शिक्षकों और विशेषज्ञों द्वारा करियर मार्गदर्शन, जिला विभाग राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन, साइंस लैब और लाइब्रेरी, RO फिल्टर पानी की सुविधा के साथ स्कूल बस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही नीट JEE UPSC की क्लास के लिए कोलकाता, दिल्ली, हरियाणा जैसे शहरों से शिक्षक को अपॉइंट कर हॉस्टल की सुविधाएं उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। स्कूल का पता है ख्वाजा नगर, सावदा जिला, जलगांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करेंगे 9158555777 पर। भुसावल शहर में पहली बार सोनू इंटरप्राइजेस लेकर आया है नामांकित कंपनी के घरेलू सामान पर 50% डिस्काउंट तक छूट, जिसमें आपको मिलेंगे नामांकित कंपनी के मिक्सर, कुकर, फैन, गीजर, प्रेस डिनर सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC व अन्य होम किचन प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट। साथ ही मोबाइल एसेसरीज में चार्जर, ब्लूटूथ, वायरलेस हेडफोन व अन्य सामान। तो अभी एक बार अवश्य पधारे। दुकान का पता है नेशनल हाईवे नंबर 6, खरका चौक, अल फरहान मस्जिद के पास, भुसावल।